কলাইকুঞ্জে এয়ারবেসের এয়ারফোর্সের প্রশিক্ষণ চলাকালীন খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত দিয়াসা এলাকায় একটি ধান জমিতে ভেঙে পড়ে যুদ্ধ বিমান। হ্যালো দোস্ত, এক নয় ব্লগ মে আপ সবাইকে স্বাগত করতে হ্যাঁ। জেসে কি পিছলে ভিডিও মে মানে বলা বতায়া থা আপ লোগো কি ইয়াহা পে এক তো বাজ জো হ্যায় উসকা দেহান্ত হো গিয়া থা আর কিস তরহ সে হুয়া থা উসকা পে মানে ভিডিও ডালা হুয়া হ্যায়, ঠিক হ্যায়, আপ লোগ জাকে চেক কর লেনা। লেকিন বহুত দিন বাদ মে উপর আয়া হু ছাদ পে, জেসে কি আপ লোগ দেখ পা রহে ইয়ে ছাদ ওয়ালা এরিয়া হ্যায়। তো ইয়াহা উসকে বাদ সে আনে কে বাদ मतलब जो उसका जो चील का देहांत हो गया था, तो उसके मरने के बाद जब मैं छाता आया करता था तो तब यहाँ का उसका दोस्त लोग जो था वो मेरे को परेशान करता था, तो जिसके चलते बहुत दिन हो गया मैं इधर आया नहीं था। आज पहली बार आके देख रहा हूँ कि आज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन लोग भी भूल चुका है। इसके साथ साथ एक तो दुख खबर देखने को मिला कि 13 तारीख को, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का वेस्ट बंगाल में जो कोलाईकुंडा एरिया है वहाँ पे एयरबेस है, जो कि जहाँ पे वायुसेना का प्रशिक्षण होता है और वायुसेना वहाँ पे रहता ही है। और हम लोगों के देश के लिए वायुसेना का कितना महत्व है वो तो आप लोगों को पता ही है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको नहीं पता है वो कमेंट करके बताना, और जो जो वायुसेना को प्यार करते हैं वो भी कमेंट करके बताना। लेकिन दरअसल बात ये हुआ कि खड़गपुर का जो लोकल स्टेशन है उसके आसपास में एक तो गाँव है देसा इलाका, जो कि वहाँ पर जो सुबह से मतलब सुबह को जो प्रशिक्षण के लिए एयरबेस मैंने उठता है ऊपर, जो फाइटर जेट होता है वो जो उगाया जाता है कि या मशीन ठीक ठाक है या जिसको प्रशिक्षण वो ठीक ठाक है या नहीं है, तो उसको चला के देखना पड़ता है। और हमेशा उसको ठीक रखने के लिए वैसा तो चलाना ज़रूरी होता है। तो उसी बीच खड़गपुर में वो दुर्घटना घटा, जो कि एयरबेस पूरा गिर के ज़मीन में आके गिरा। और उसका जो पायलट था वो पूरा वायुसेना का सिस्टम है, वहाँ पे एक एक फाइटर जेट में दो ही आदमी बैठ सकता है, तो वही वाला फाइटर जेट 13 फरवरी को गिर गया, जो कि ज़मीन में वो भी धान वाला खेत में जहाँ पानी था, लेकिन वो पूरा बर्बाद हो चुका है। और वहाँ का जो आपका पायलट था और उसके साथ और एक जो रहता है कमान देने वाला, तो वो भी बचा है, लेकिन उसका सिचुएशन अभी कैसा है वो तो नहीं पता। लेकिन आप थोड़ा वीडियो को देख लीजिए। तो यार यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फाइटर जेट का जो पायलट होता है वो यहाँ पे गिरा हुआ है, उसको पंखा किया जा रहा है और आदमी से पूरा घेरा हुआ है। हालांकि इसका पैराशूट था, पैराशूट वो पेड़ में अटक चुका है और ये यहाँ से आके गिरा है, तो पूरा आदमी से उसको घेरा हुआ है। अभी ठीक ठाक है लेकिन उतना भी नहीं, इसको पूरा पंखा किया जा रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में। और यही है वो, तो ऐसा हालत है, ऐसा सिचुएशन बना हुआ है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। जूता से पैसे दे देना तो कैफत दी तो है ना ना।
तो यार यहाँ पे आप लोग जो भीड़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे दूसरा पायलट जो वो क्रैश हो गया यहाँ पे पड़ा है। सामने जो आप लोग देख पा रहे हैं पैराशूट, वो साइड में जो खेत में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मतलब सामने ऊपर में उसका एक तार है बिजली का, वो तार में अटक गया था जिसके चलते वो धीरे से गिरा है। लेकिन यहाँ पे फोटो में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से बातचीत तो कर रहा था, लेकिन उस अभी ऐसा सिचुएशन है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर भी भीड़ है और कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा खेत के बीच में ये हुआ है। हाँ ভিডিও করতে যাওয়ার কোনো যুক্তি নাই, একটু পরে কলাইগুন্ডা এয়ারবেস হর রোজ কো জাহাজ ওহা সে উপর যাতা হ্যা ঘুমতা হ্যা ফির উতর যাতা হ্যা সব কুছ সহি রহতা হ্যা লেকিন মঙ্গলবার কো এসা ক্যা হো গয়া জো কি পুরা গির গয়া আর গিরনে কা বাদ উসকা জো ফাইটার জেট হ্যা ও পুরা ফুল বরবাদ হো চুকা জেসে কি দেখ সকতে হ্যা। तो यार यही है वो फाइटर जेट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और ये पूरा चकनाचूर हो चुका है। और इसका स्पीड क्या है वो तो आप लोगों को पता है, ऊपर से इतना स्पीड में आके ज़मीन में गिरा है, धान खेत पूरा बर्बाद कर दिया है, और साथ में ये अभी किसी लायक नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा हालत बना हुआ है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ है और बहुत कोई ये वाला सिचुएशन देखने आया हुआ है। तो यार आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, ठीक है, और यहाँ का दोस्त मेरे को एक तो ये वाला फुटेज भेजा था, जिसके चलते मैं ये वीडियो आप लोगों को लिए बना पा रहा हूँ थोड़ा बहुत लेट में, तो ये वाला बात है। और मेरे को बाद में पता चला तो फ़ोन करके उसको पूछा, तो वो मेरे को ये वाला वीडियो भेजा। ছোড়া লাগে
ওই তো ওখানে পড়ে দেখুন ফেলাইছে यार। ये जो हेलीकॉप्टर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वायुसेना का टीम आया हुआ है इसको रेस्क्यू करने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो देखने है कैसे हुआ वो भी उन लोग उसका जानकारी ले रहा है। तो यही वाला बात है और इस तरह से भीड़ लगा हुआ है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर सामने से आदमी बहुत दिनों बाद ऐसे देखने को मिल रहा है ऐसे देख पा रहा है। तो यार साथ में इस बीच पब्लिक को नसीब हुआ कि युद्धों में जो हेलीकॉप्टर सब यूज किया जाता है वो इतना करीब से पहली बार किसी पब्लिक ने देख पा रहा होगा मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है। तो यार बहुत ही दुख की बात है कि हमारा वायुसेना इस तरह से प्रशिक्षण के दौरान भी उन लोगों का खतरा हमेशा रहता ही रहता है। तो यही वाला बात है। तो यार आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा अगर लगा तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बेल आइकन घंटी दबा के रख देना। और जो जो वायुसेना को प्यार करते हैं
वो सब्सक्राइब कर देना, और जो नहीं करते हैं हम लोगों के देश के लिए वो लगता है, प्रशिक्षण के दौरान भी उनका खतरा है, वो तो आप लोग वीडियो देख के समझ ही चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।